पूर्ण प्रेम क्या है? पूर्ण प्रेम क्या है? पूर्ण प्रेम, पूर्ण 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 प्रेम क्या? पूर्ण प्रेम में बांटा नहीं जा सकता। प्रेम एक रस विशेष है। जब प्रेमास्पद के प्रति हम सौहार्द के भाव से भरते हैं, प्रेमास्पद को प्रसन्न करने के लिए चेष्टा करते हैं, प्रेमास्पद की प्रसन्नता से हमारे अंदर जो आनंद की तरंगे आंदोलित होती है, उसी का नाम है प्रेम। प्रेम एक रस है, वो रस परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा के विषय में कहा जाता है रसो वेशः, परमात्मा रस स्वरूप है, परमात्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। ये सब लगभग एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अगर प्रेम के विषय में सही हम समझना चाहते हैं, इस समय भरद्वाज आश्रम में श्री भरत जी पहुँचते हैं, तो भरद्वाज जी ने एक बात कही, अभी तक हमने शास्त्रों के द्वारा, ऋषि महर्षियों के द्वारा, संत महानुभावों के द्वारा प्रेम के विषय में सुना था, परंतु आज हम आपको प्रेम का जीवंत स्वरूप देख रहे हैं। प्रेम का जीवंत स्वरूप जो है श्री भरत जी हैं। भरत जो है प्रेम मूर्ति है। भरत जी में ऐसी कौन सी विशेषता है? लक्ष्मण जी जो है भगवान श्री राम के बिना जी नहीं सकते हैं, राम ही उनका जीवन है, राम की सेवा में अपने आप को उन्होंने समर्पित कर रखा है। फिर भी श्री भरत जी का जो प्रेम है वो अनुपम है। भरत जी जो सेवक निज साहिब ही संकोची, जो सेवक अपने साहिब को, अपने स्वामी को, अपने आराध्य को, अपने प्रेमास्पद को संकोच में डाल के निज सुख चाहे, अपना सुख चाहता है, तास मति पोची, उसकी बुद्धि जो है ना अपरिपक्व है, उसकी बुद्धि जो है सही नहीं है, मलिन है, सकल कहीं दसकंदर पोचा। दसकंदर रावण जो सारी दुनिया को दूषित करने वाला वो पोच है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वामी को संकोच में डालती, तो उसकी बुद्धि जो है वो भी पोची है, पोची है। भरत जी तो भगवान से एक ही निवेदन करते हैं, यही विधि प्रभु प्रसन्न मन करुणा सागर की।
महाराज जी चाहते हैं भगवान की करुणा प्रभावित हो, भगवान करुणा सिंधु, भगवान शील सिंधु, भगवान करुणा के समुद्र हैं। साधारण लोग में क्या होता है, कोई हमारे अनुकूल है, हमारी प्रशंसा कर रहा है, हमारी प्रशंसा सुन के हम बहुत अपने आप को नम्र शालीन प्रकट करने की चेष्टा करते हैं कि हम बहुत नम्र हैं, हमें बहुत अधिक शालीनता है, बहुत अधिक शील गुण। परंतु अगर कोई दुष्ट व्यक्ति आ जाए हमारे सामने तो क्या होता है, उसके द्वारा किए हुए अभद्र व्यवहार को हम सहन नहीं कर पाते, हमारा मन मस्तिष्क बिगड़ जाता है। ये व्यक्ति का स्वभाव नहीं है जो बनता और बिगड़ता रहता, ये स्थिति विशेष के कारण पैदा हुई एक घटना है। स्वभाव जो होता है किसी भी स्थिति में बदलता नहीं, तो भगवान जो हैं करुणा सिंधु हैं, प्रेम के सागर हैं। भगवान के प्रति कोई अभद्र व्यवहार करे, आप रामचरितमानस में देखेंगे रावण ने भगवती आदिशक्ति जगदम्बा भगवान श्री राम की जो परम प्रेयसी है ऐसी भगवती सीता का अपहरण किया, परंतु भगवान अंगद से कहते हैं आज हमार दास हित होई, हमारा केवल इतना ही कार्य है कि रावण का हित। भगवान का स्वभाव है वो बदलता नहीं है, चाहे उनके प्रति हम अपकार करें। नारद जी ने भगवान को बहुत कुछ कठोर शब्दावली का और भी अभद्र वाणी का प्रयोग किया, परंतु भगवान प्रेम से मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। भगवान का जो स्वभाव है बदलता नहीं। भरत जी कहते हैं बचपन से मैं भगवान श्री राम को देख रहा हूँ, खेलत हुनिस कतहु नहीं देखी। भगवान खेल के समय भी क्रोधित नहीं होते। होता क्या है, खेलों में हम स्पर्धा में आगे बढ़ते हैं और हम विजयी होने की भावना रखते हैं, खेल में हम विजयी हैं, परंतु भगवान श्री राम हारे खेल जितावही मोहि, भरत जी को जिता देते हैं और जिताने के बाद उपहार लोगों को बांटते हैं कि हमारे भरत भैया विजयी हुए। ये एक विशेष स्वभाव है, पराजय में भी आनंद का अनुभव, दूसरे को विजयी कर देना और फिर उपहार बांटना, और इतने उपहार दिए कि लोगों की याचकता समाप्त हो गई, इतना उपहार दिए। ये जो सुहाव है भगवान, इसी सुहाव के कारण भगवान जो है प्रेम करते हैं। हम संसार में प्रेम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनसे हमको कुछ अपेक्षा है। समाज हमको सम्मान देता है, हम उसके प्रति प्रेम करते हैं। समाज अगर हमारा तिरस्कार करता है हम उसके प्रति प्रेम नहीं कर पाते। अगर कोई व्यक्ति हमारे प्रति शत्रुता का भाव रखता है हम उसके प्रति प्रेम नहीं रखते। ये हम सबकी कमजोरी है। तो प्रेम जो है स्वभावजन्य होता है, प्रेम ऊपर से लादा हुआ नहीं है, बनावटी नहीं है। प्रेम, हम आपसे प्रेम करते हैं तो
ये नहीं कि हम आपको प्रेम दे रहे हैं तो हमारे प्रेम में कमी आ जाएगी। प्रेम जितना बांटो उतना ही उमकता है, जैसे जल नीचे से ऊपर उछल रहा है, इसी प्रकार से प्रेम प्रेम जो है त्यागी तपस्वी जो सही जीवन जीने वाले हैं वही प्रेम कर सकते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी का है, बड़ा विचित्र प्रसंग आया है। उसमें भगवान श्री राम वन में चले जा रहे हैं, उस समय तही अवसर एक तापस आया, उसी समय एक तपस्वी आया, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, वो तेज का पुंज है, उम्र उसकी कम है, लघु वयस परंतु बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है, और वो भगवान को दंडवत करता है। भगवान उसको उठा के अपने हृदय से लगा लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मिलत प्रेम परमारस दो, प्रेम और परमार्थ का मिलन होता है। तो प्रेम जो है जो संपूर्ण सार्वभौम अस्तित्व के लिए हित की भावना रखते हैं वो प्रेम कर सकते हैं। जिनकी दृष्टि में कोई भला बुरा नहीं है, ये पुष्प है, ये नहीं देखता कि किस व्यक्ति ने हमको संरक्षण दिया है, किस व्यक्ति ने हमको तोड़ा है, वृक्ष से अलग किया, वो समान सुगंध दे देता है। इसी प्रकार से प्रेमी जो है चाहे हमारे प्रति कोई किसी भी प्रकार के भाव से खराब हो, किसी भी प्रकार का हमारे प्रति व्यवहार हो, हम अपने स्वभाव से उससे प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं अर्थात उसकी सुख समृद्धि की, उसके अभ्युदय की हमारे अंदर भावना होती है कि किस प्रकार से इसका अभ्युदय। तो ये जो है जो भगवान के सही अर्थों में भक्त हैं वही प्रेम कर सकते हैं। भगवान प्रेम कर सकते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकार, तुम तुम्हार सेवक उपकार। इस सृष्टि में भगवान और भगवान के भक्तों के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम तो केवल लोग अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रेम का दिखावा करते हैं, वो प्रेम को कलंकित करते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से कुछ अपेक्षा रखते हैं और हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए तो हम उससे प्रेम करते हैं। संसार में देखा जाता है, आप तो यहाँ US में रहते हो, आप सब देख रहे हो, लोगों के पास कुत्ते बिल्ली बहुत हैं। कुत्ते तो हैं ही, बिल्ली भी है, इंसान से क्यों नहीं प्रेम कर सकते, कुत्ते बिल्ली से क्यों प्रेम कर सकते, कभी आपने विचार किया? कुत्ता जो है एक तो वफादार है, दूसरी बात क्या है, आपने कभी देखा हो गांव में हाथी आया, गांव में हाथी तो कुत्ते भौंकते हैं, और उसके सामने नहीं आते, पीछे से भौंक, इधर उधर से भौंक, और जब हाथी निकल जाता है तो वो वापस लौट के चले जाते। कुत्तों को तकलीफ होती है कि ये व्यक्ति हमारे प्रेम को कहीं छीन ना ले, जो मालिक हमसे प्यार करता है, प्रेम करता है, उसको ये छीन ना ले, इसलिए उसको बाहर निकाल देते हैं। वो देखते हैं गांव में हाथी आया है, लोग उसके कुछ
भेंट पूजा ले जाके दे रहे हैं, कोई कुछ फल खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उतना तो नहीं सहन होता कि हमारे को छोड़ के ये दूसरे उसको बाहर कर। कुत्ता को आपने रोटी दी, कुत्ता रोटी को रखता है, पूंछ हिलाता है, आपको धन्यवाद देता है, वो ऐसे रोटी नहीं खा लेता। वो कुत्ता जो है आपकी इच्छा के विपरीत कोई कार्य नहीं करता। और मानव जो है विवेक बुद्धि से संपन्न, और वो जो विवेक बुद्धि से संपन्न है वो हर एक बात में हाँ में हाँ तो नहीं मिलाएगा। वो चाटुकार नहीं है, चमचा नहीं है, जी हजूर जो कहो वो सब ठीक है, वो तो ऐसा नहीं। इसलिए इंसान से प्रेम नहीं किया जा सकता, कुत्ते से इसलिए कर लेते हैं कि वो हमने बॉल फेंक दी ठा के ले आएगा, हमने उसको फटकार दिया इधर चला जाएगा, फिर हमारे पास आके पूंछ हिलाने लग जाएगा। इंसान को अगर हमने ठुकरा दिया तो वो फिर हमारे पास आएगा जरूर, परंतु क्रोधावेश में भर के आएगा, प्रतिशोध की भावना लेके आएगा, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए आएगा, आएगा जरूर आएगा। तो इसलिए यहाँ के लोग जो हैं कुत्ते से प्रेम, क्योंकि कुत्ता जो है जैसा कहो सब उसको स्वीकार है, मारो तो ठीक है। आप देखते हैं यहाँ तो नहीं होता, पर भारत की हम बात कर रहे हैं, भारत में कुत्ता को बहुत से व्यक्ति लाठी से मार देते हैं और फिर वो कुत्ता आता है और फिर टुकड़े के लिए आ जाता है। तो इस प्रकार से इंसान नहीं कर पाएगा। इंसान को अगर इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा तो इसलिए इंसान से प्रेम नहीं कर पाते, कुत्ते से प्रेम करते हैं। तो प्रेम जो है वास्तविक में जो करने वाले हैं ये तो प्रेम का दिखावा है, आडंबर है, प्रेम नहीं है। प्रेम तो केवल भगवान करते हैं या भगवान के जो सच्चे भक्त हैं, सही भक्त हैं, वो प्रेम करते हैं। प्रेम अगर सीखना है, वैसे इसकी कोई स्कूल कॉलेज तो है नहीं कि जहाँ प्रेम की शिक्षा दी जाए, परंतु फिर भी अगर किसी के मन में, वैसे तो एक सीधी सी बात है, हम जिसके नज़दीक बैठते हैं उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। आप क्रोधी व्यक्ति के पास बैठो उसके गुण आप में आ जाएंगे, शराबी के पास बैठो उसके गुण आप में आ जाएंगे, जुआरी के पास बैठो उसके गुण आप में आ जाएंगे। इसी प्रकार से संतन डिग बैठ बैठ प्रेम बेली बोई। मीरा जी कहती हैं कि संतों के डिग बैठ के, संतों के नजदीक बैठ मैंने प्रेम की बेली बोई है। अगर प्रेम का पाठ पढ़ना है तो संतन डिग बैठ, कौन से संत, शील गहन सबकी सहन, कहन मुखन किए राम, तुलसी रही रहनी संत जनन को। शील गहन, उनमें इतनी शालीनता है, जिस प्रकार से आकाश का जल चट्टानों पे गिरता है और वो चट्टाने उस जल का शोषण नहीं करती, ऊपर से बह जाता, इसी प्रकार से दुष्टों का व्यवहार, दुष्टों की दुष्टता, दुष्टों के कठोर शब्द संतों के हृदय में प्रवेश नहीं करते। भगवान बुद्ध के विषय में आता है, बहुत गालियां देता रहे एक व्यक्ति, देते देते थक गया, भगवान बुद्ध ने कहा कुछ और कहना, आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा,
मैंने इतनी गाली दी और आपने कुछ उसका प्रतिकार नहीं किया। देखो एक बात बताते हैं, कोई व्यक्ति आपको कोई भेंट दे, आप उसको नहीं स्वीकार करो, वो वस्तु कहाँ जाएगी? या जिस व्यक्ति की वस्तु है उसके पास ले जाएगी? इसी प्रकार से आप गाली देते रहे, मैं उसको स्वीकार नहीं कर सका। आपकी गाली आपके पास, आपके लिए मुबारक। ऐसे जो संत हैं जो दुष्टों की दुष्टता को स्वीकार नहीं करते, अपने हृदय में स्थान नहीं देते, नारद जी के सामने नृत्यांगनाएं वरांगनाएं कामदेव लेके पहुंचा है, नृत्य करती रही, वो करते रहे, नारद शांत चित्त बैठे रहे, क्यों मन में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं हुआ? नहीं, संत जो है ये जानते हैं कि ये सब व्यवहार केवल दिखावा है, इसमें कुछ भी वास्तविकता नहीं है। सिनेमे का पर्दा पे कुछ भी जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो केवल दृश्य मात्र है, उसके पीछे वास्तविकता कुछ नहीं है। इसी प्रकार से उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, जगत को स्वप्नवत देते, जगत जग देखन तुम देखन हारे, जगत एक तमाशा है, एक खेल है, एक दृश्य मात्र, उसको देखते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते। इसलिए संत जो है वो प्रेम करते, हम सब के ऊपर थोड़ी थोड़ी बातों का और इतना असर होता है, उसने बात कह दी तो हम जीवन पर्यंत उसको गांठ बांध लेते, भूलते नहीं। एक बार उसने ऐसा व्यवहार कर दिया, वैसे हिंदू सनातन को जीवन पर्यंत किए हुए उपकार को भूलता नहीं है, किए हुए उपकार, परंतु अपकार को नहीं, अपकार को तत्काल भुला दे। जो हिंदू सनातन धर्म है और दूसरे लोग जो हैं वो कहते हैं कि बेटे से देखो अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, मैं तो उसका बदला प्रतिशोध नहीं ले सकता, अब तुम मेरा प्रतिशोध। बेटों को भी ऐसी शिक्षा देते हैं, अगर वो भी नहीं ले सकेगा तो कहेंगे और पौत्र प्रपौत्र, परंतु ले लेना ये सांसारिक। परंतु हिंदू सनातन धर्म है तो केवल उपकारों को नहीं, जीवन पर्यंत नहीं। एक बार किसी ने हमारा हित किया, एक बार किसी प्रकार की हमारे मदद की, सहयोग किया, हिंदू जो है वो नहीं भूलेगा। और ये गुण पठानों में था, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान शायद आपको मालूम हो, जो भारत था अफगानिस्तान से लेके बर्मा था भारत था, उसके 9 टुकड़े हो गए, जिसमें हमारा भारत एक छोटा सा टुकड़ा रह गया। तो इसका नाम अफगानिस्तान जो अब है उसका पुराना नाम था अफगानिस्तान, वहाँ की भाषा गन भाषा। स्वामी जी ने जो स्वामी चेतन दास जी महाराज जी जगत गुरु स्वामी जी का जो जीवन चरित्र प्रसंग पारिजात लिखा वो गन भाषा में लिखा, क्योंकि चेतन दास जी महाराज को अफगानिस्तान से लेके पंजाब तक का कार्यभार दिया गया था कि इतने क्षेत्र में आपको जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी की विचारधारा का फैलाना है। चेतन दास जी महाराज ने गन भाषा में वो चरित्र लिखा था, इसलिए गन भाषा में वो चरित्र लिखा था। और अभी तो उसका गुजराती ट्रांसलेशन भी हो चुका है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, हिंदी भी है, मराठी भी है,
अनेक अनेक भाषाओं में उसका भाषांतर। तो पठान जो है, ये जो भारत भूमि है अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक की, एक पुण्य भूमि है, बड़ी पवित्र भूमि है। वहाँ रहने मात्र से आप देखते हैं कुछ भूमि का ऐसा प्रभाव होता है जहाँ पे पहुँचने मात्र से हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, और कुछ भूमि ऐसी होती है जहाँ पहुँचने मात्र से मन में विक्षोभ होता है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के लिए परिवार में भाई भाई परिवार के सदस्य आपस में कैसे लड़ेंगे, कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, भूमि खोज रहे, तो कुरुक्षेत्र भूमि में जहां मोह ममता बिल्कुल नहीं, उसी क्षेत्र को रहा था किसी समय धर्म क्षेत्र, फिर बाद में भगवान ने उसको हम सब के लिए गीता जैसा पवित्र ग्रंथ देके भगवान और भगवान के शरणागत भक्त अर्जुन दोनों का जो गीता का संवाद हुआ है, बड़ा पवित्र संवाद है, और वो संवाद हमारे मोह और आसक्ति को तोड़ने वाला। तो कहने का मतलब हमारा ये था कि भूमि का अपना अपना प्रभाव होता है, अफगानिस्तान से लेके ब्रह्म देश जिसको बाद में बर्मा कहने लगे थे, बाद और अभी तो म्यांमार के, तो नाम बदलते रहते हैं, ये सब बड़ी पवित्र भूमि, बड़ी पवित्र। अभी इसीलिए वहाँ के पठान लोग, अफगानिस्तान के जो पठान हैं, तो कहते हैं किसी का भी नमक खा लिया तो उसके प्रति फिर दगा नहीं, मतलब नमक इसलिए कहा जाता है, हम भोजन में दूसरे पदार्थ तो अगर 100 ग्राम पा रहे हैं या 200 ग्राम पा रहे हैं, नमक 1 ग्राम भी नहीं होता, तो मतलब थोड़ी सी चीज भी ग्रहण करनी, नमक का मतलब थोड़ी भी उसकी वस्तु ग्रहण करनी, तो फिर हम उसके साथ दगा नहीं। तो बस प्रेम, प्रेम जो है भगवान और भगवान के आश्रित रहने वाले जो सही संत भक्त हैं वो कर सकते हैं, वो ही करते हैं, और संसार के लोग प्रेम का दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, जब तक स्वार्थ पूर्ति हो रही है तब तक बहुत भले आदमी हैं, और जब स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो बिगड़ गया। जब तक स्वार्थ है तब तक ही लोग खल की प्रीत जथा त्रिनाई दामिन दमक न रह जन जन, ये बिजली आकाश में तड़ित चमकती है, कुछ क्षणों के लिए लगता है कि खूब प्रकाश, और कुछ ही क्षण मात्र में वो विलुप्त हो जाती है। इसी प्रकार से दुष्टों का जो प्यार है, दुष्टों का जो प्रेम है, दुष्टों की जो प्रीति है, वो केवल स्वार्थ के लिए क्षणिक होती है, क्षणिक स्थिर नहीं है, और प्रेम जो है अमृत स्वरूप, वो अमृत है, मरता नहीं है कभी प्रेम, एक बार प्रेम हुआ तो वो प्रेम कभी भी मरेगा नहीं, और व्यक्ति को भी अमर कर देता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया,
खाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित। अगर प्रेम मर गया जगत में जितना भी व्यक्ति है पदार्थ है जो कुछ भी दिखाई दे रहा वो सब मरने वाला है, मरण धर्म है। परंतु प्रेम जो है वो कभी मरता नहीं, वो मरता नहीं, वो अमर है। ये जो ढाई अक्षर प्रेम के हैं इसको जिसने समझ लिया वही वास्तविक में पंडित है। पंडित किसको कहते हैं? कोई ब्राह्मण को पंडित नहीं कहते। महाराज दशरथ को सुमंत्र जी कहते हैं, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। महाराज दशरथ जो हैं कोई ब्राह्मण तो नहीं थे, क्षत्रिय राजा थे। तो पंडित शब्द जो है उसका अर्थ होता है जिसके पास सद और असत का विवेक है। तो कबीर साहब कह रहे हैं ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित को। ये जो ढाई अक्षर हैं प्रेम शब्द के इनको जो पढ़ लेता है, जिसको सद असत का विवेक हो जाता है क्या नित्य है क्या अनित्य है इसका विवेक, वो ही प्रेम को जानता है। प्रेम को समझना बहुत कठिन है, फिर भी उपाय है। भगवान के प्रेमियों के पास रहना सीखें, बैठना सीखें, उनका सानिध्य, उनकी उपासना, उपासन नजदीक बैठना हमको प्रेम सिखा दे। जय श्री मतलब।